स्वागत तो है आप लोगों का मेरे चैनल में सो गैस so आज की वीडियो में दो ऐसी कंपनीज़ है जिसके अंदर काफ़ी एक अच्छा मूवमेंट बन रहा है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर, इन्वेस्ट करके चल सकते हो और काफ़ी लॉन्ग टर्म में उसने काफ़ी अच्छा रिटर्न्स भी बनाकर दिया है तो so गैस आई होप आप इन स्टॉक्स को थोड़ा सा डाला पर लेकर चल सकते हैं इन दो कंपनीज को सो गैस सबसे पहले जो कंपनीज़ है मैं बता दूँ कंपनी का नाम है ग्रीन पैनल ग्रीन पैनल इंडस्ट्री में फिलहाल तो आज के दिन गिरावट देखने को मिली गैस देखिए अगर मैं इसका ओवरव्यू रिव्यू दूँ तो ग्रीन पैनल इंडस्ट्री लिमिटेड एक लीडिंग मैनुफैक्चर है जो कि मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड जिसको आप एम कहते हो और प्लाईवुड प्रोड्यूस करती है कंपनी का फोकस हाई क्वालिटी वुड पैनल्स और एलाइट प्रोडक्ट पर है जो वेरियस अपीकेशन में यूज़ होते हैं जैसे फर्नीचर मैनुफैक्चरिंग इंटीरियर डेकोरेशन और कंस्ट्रक्शन के अंदर गाइस अगर इस की प्रोडक्ट की बात की जाए ना एम की बात की जाए तो हाई क्वालिटी एम पैनल जो, जो फर्नीचर और इंटीरियर में एक्सटेंसिवली यूज होते हैं ड्यूरेबल प्लाईवुड प्रोडक्ट जो कंस्ट्रक्शन और फर्निशिंग में काम आते हैं गैस अगर डेकोरेटिव विनियर्स की बात की जाए तो वुड प्लाई फ्लोरिंग सोल्यूशन भी है एंड करंट में अगर आप देखोगे ना इसके अंदर तो आप देखिए एक मैक्सिमम इसने देखिए आठ सौ तक का रिटर्न दिया दो में आई थी कंपनी एंड हाई इसने चार मतलब आप कह सको चार पचास नेट बनाया है और लो इसका चर्ट चर्ट का दो सौ सड़सठ के आसपास देखने को मिलता है तीन सौ तीस पर भी हमें देखने को मिली है तो काफ़ी अच्छी प्राइस पर अभी हम मिल रही है गाइज तो यही तो कहते हैं ना कि बॉटम फिशिंग पॉइंट बन रहा है एक साल में इसमें चार परसेंट की गिरावट है ज्यादा कुछ गिरावट देखने को मिली हुई और छह महीने में पाँच परसेंट की गिरावट देखने को मिलती है मतलब अभी आपको लिटरली ये बॉटम फिशिंग स्टॉक देखने को मिल रहा है गाइज अगर मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊँ तो ओवरव्यू तो मैंने आप लोगों को दे दिया ठीक है कंपनी अगर देखोगे तो इसका स्टॉक पी ट्वेंटी एट है इंडस्ट्री पी थर्टी फोर इट मीनस अभी आपको किससे मिल रही है अंडर वैल्यू पे मिल रही है ठीक है अगर इसका आर ओ सी आर ओ ही देखोगे ना वो भी काफी अच्छा हमें देखने को मिलता है हैं और अगर आप ये भी देखोगे ना कि मार्च में इसको चार सौ इकतालीस करोड़ का इसका रेवेन्यू था एंड प्रॉफिट देखोगे सिक्सटी नाइन लेकिन अब क्या हुआ है अब बढ़ गया है ठीक है जहाँ पहले ये चार सौ था तो थोड़ा सा उसका रेवेन्यू कम हुआ है यहाँ पर हल्का सा कम हुआ है लेकिन अगर प्रॉफिट की बात की जाए जो कि पहले प्रॉफिट सिक्सटी नाइन था जो कि आप देख रहे हो सिक्सटी नाइन का प्रॉफिट जो कि अब आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर हमें थर्टी देखने को मिला, तो यहाँ पर हल्के से गिरावट देखने को मिलती है गाइस मैं आपको बता दूँ कि स्टॉक प्राइस देखा जाए ना तो ग्रीन पैर इंडस्ट्री की जो स्टॉक प्राइस का मॉनिटर करने के लिए अगर देखोगे तो आपको लेटेस्ट स्टॉक मार्केट अपडेट मतलब ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है एंड इस जो लेटेस्ट अपडेट हमें जो तो देखने को मिलती है हमें इसके फंडामेंटल देखने को मिलता है हमें चार्ट पैटर्न देखने को मिलता है अगर आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो रीसेंट परफॉर्मेंस देखोगे तो डाटा एनालिसिस भी करना बहुत जरूरी होता है फाइनेंशियल न्यूज़ का पता होना भी बहुत जरूरी है तो गाइस ये सारी चीज़ें आपको मेरे इस वीडियो पर मिल जाएंगी एंड अगर प्रॉफिट एंड लॉस में देखोगे तो काफ़ी अच्छा इसमें देखिए हल्का सा साल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिप देखने को मिला है देखिए ये थोड़ा सा बिजनेस ऊपर नीचे होता रहता है इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी का स्टॉक खराब है ठीक है एंड ये भी पाँच साल यू है और थोड़ा पाँच साल में अगर गो तो ये आपको कम

वही नेक्स्ट गेज हमारी कंपनी निकल कर आती है सूरत बिजनेस वाला गाइस अगर मैं आप लोगों को बताऊँ सूरत बिजनेस बारे में दूसरा पहले आप एक चीज़ ये देखोगे ना ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज़ के बारे में तो फर्नीचर और इंटीरियर डेकोरेशन सेक्टर्स की ग्रोथ से एम डी एफ जो प्लाईवुड है ना जो एम डी एफ प्लाईवुड है प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने का एक्सपेक्टेशन एनवायरमेंटली फ्रेंडली और सस्टेनेबल वुड प्रोडक्ट की डिमांड से ग्रीन पैनल की मार्केट अगर देखो ना नेक्स्ट कंपनी सूरत वाला मेरी सूरतवालाती है सूरत वाला के अगर बारे में बात करूँ तो गाइस देखिए सूरत वाला बिजनेस ग्रुप लिमिटेड एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज का डेवलपमेंट और मैनेजमेंट करती है कंपनी का फोकस हाई क्वालिटी सस्टेनेबल और इनोवेटिव रियल स्टेट सोलूशन पर है गाइज अगर की सर्विज की बात की जाए ना तो हाई एंड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और अफोर्डेबल हाउसिंग सोल्यूशन है ऑफिस पे रियल स्टेट आउटलेट्स और मिक्स यूज है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट जो एसेट वैल्यू को मेंटेन और एनहेंस करता है ठीक है गाइस अभी अगर देखोगे तो काफी अच्छी शानदार तेजी देखने को मिली इस स्टॉक के अंदर नियर अबाउट 5 परसेंट तक की एक सौ स्टॉक प्राइस चल रहा है कोई ज्यादा हाई भी नहीं है गाइस अगर मैं देखूं तो मैक्सिमम इस 2023 में ही आया था तो, और काफी अच्छा पांच साढ़े चार परसेंट तक का रिटर्न दे चुकी है कंपनी से ऊपर का और हाई इसने वन थर्टी सेवन मिला है देखने को मिला है गाइस एक साल में पाँच सौ तेरह परसेंट तक का रिटर्न मतलब कहाँ मिलेगी यार आपको ऐसी कंपनी जो एक साल भर में आपको सौ सौ परसेंट का रिटर्न दे रही है सिक्स महीने में देख लो एक सौ चार परसेंट का रिटर्न देखने को मिलता है एंड यहाँ हल्का सा डी आया था मंथ के अंदर लेकिन गाइस कोई बात नहीं आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं लेकिन हाँ ये जो पॉइंट्स बनते हैं ना गाइस मैं आपको ये बताऊंगी कि ये आपके एंट्री पॉइंट बनते हैं ठीक है करेक्शन जो आता है ना ये एंट्री के लिए ही आता है ओवरल मैंने आप लोगों को दे दिया और अगर देखोगे ना इसका स्टॉक का पी एटी है और इंडस्ट्री पी हमें इसका देखने को मिलता है थर्टी सिक्स इस काफी ज़्यादा हाई वैल्यूशन में ट्रेड करें और आर ओ सी आर तो बहुत ही ज़्यादा शानदार देखने को मिलते हैं गैस रियल स्टेट से रिलेटेड कंपनी है सेल्स इसकी 10 हुई थी 2023 में और प्रॉफिट जो था उसका लॉस में था लेकिन अब तो भाई इसकी सेल्स होगी 21 ठीक है और प्रॉफिट पहुँच गया गैस इसका 5 करोड़ तक मतलब देख रहे हो काफ़ी अच्छा इसने दिखाया क्वार्टरली हल्का सा कम है लेकिन एनुअली काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस में आओ तो काफ़ी अच्छा इसके रिवेन्यू देखने को मिला है अगर यही नेट प्रॉफिट देखोगे तो नेट प्रॉफिट लॉस से सीधा अट्ठाईस करोड़ रुपये पहुँच गया गैस कंपनी पे कर्जे की बात की जाए तो हाँ रिजर्व जितने हैं ना इसका कर्जा बढ़ता जा रहा है ठीक है आप प्रमोटर होल्डिंग पे आ जाओ तो प्रमोटर के पास होल्डिंग तो काफ़ी अच्छी है लेकिन एफ पहले थे तो एफ़ आई तो अभी थोड़े से इसमें से ट्रिम हुए हैं एंड पब्लिक काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है गैस अगर सूरत वाला की बात की जाए एंड देखिए कंसिस्टेंट रिवेन्यू ग्रोथ और प्रोजेक्ट कंपनीशन स्ट्रॉग इंडिकेटर है रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स की प्रोफिटेबिलिटी और कॉस्ट मैनेजमेंट से फाइनेंशियल हेल्थ मेंटेन होती है लो डेप्थ की वजह से फिलहाल तो उसके अंदर डेप्थ काफी सही देखने काफी ज्यादा देखने को मिलता है आप ये एंड कंपनी ना फ्यूचर्स के तौर पे देखा जाए जो अर्बनाइजेशन है ना उसमें रियल स्टेट डिमांड की ट्रेंड से रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट की डिमांड इंक्रीज होगी सस्टेनेबल और ग्रीन बिल्डिंग प्रैक्टिस अडॉप्ट करने से मार्केट डिफरेंशियस और कॉम्पिटेटिव एज मिलेगा न्यू मार्केट्स में एंट्री और डायवर्सिफाइड प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो से सेवेन्यू और प्रोफिटेबिलिटी को एनहेंस किया जा सकता है कहीं से मैं दोनों ही कंपनी के बारे में बात करूं तो दोनों कंपनीज अपने सेक्टर्स स्ट्रॉन्ग पी हैं और आप ये कह सकते हो कि फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल दिखाती भी हैं इनके शेयर्स का परफॉर्मेंस मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जैसे कि मार्केट डिमांड होगी टेक्नोलॉजिकल हो गया एडवांसमेंट हो गया रेगुलेटरी हो गया ग्रीन पैनल में मेन हमें देखने को मिलता है कि एमडीएफ प्लाईवुड कौन सा है एमडीएफ प्लाईवुड प्रोडक्ट की इंक्रीजिंग डिमांड की वजह से एंड जो मार्केट एक्सपेंशन है उसकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ की वजह से सूरत वाला में देखा जाए तो रियल स्टेट सेक्टर की ग्रोथ और अर्बनाइजेशन ट्रेंड और डेवलपमेंट और जो उसके रिलेटेड चीजें निकल निकलकर आ सकती हमें वो देखने को मिलता है तो ये चीज सब को अब लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच के चल सकते हो एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के तौर पे देख के चल सकते हो क्योंकि उसको ही ये आप थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाते हैं बाकी गाइस मैं आपको ये कहूँगी खुद से तो स्टडी करके चेक करके देन तभी इन्वेस्ट करोगे चलेगा चाहे पढ़ाई हो तो लाइक इस शेयर करना मत भूलना नेक्स्ट वीडियो में